आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कैसे हो सर? आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे, तो योगाभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है योगाभ्यास करने की, इसके बारे में मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, हमें मार्गदर्शन करें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। अलका जी साकला। एक बार सभी आनंद भाई की उम्र, बहुत दिन के बाद सर को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। सभी वेलकम करें, बहुत दिनों के बाद अपने ही भाइयों को, भाई को इतने दूर जाने के बाद, वी मिस्ड यू, हम आपको बहुत मिस करते थे और आप आए तो सबके चेहरे पे बहुत खुशी आई है, रौनक आ गई। यस, रोज याद करते थे हम आपको। बहुत अच्छा। एक शिविर अटेंड करने गया था उड़ीसा और 3 दिन का शिविर वहाँ, बहुत ही शानदार शिविर रहा, परीक्षा ज्ञान का। लगभग 50 भाई बहन और 20 बच्चे, 50 भाई बहन और 20 बच्चे उस शिविर में उन्होंने भाग लिया और इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ 3 दिन का, बहुत ही शानदार परीक्षा ज्ञान का शिविर संपन्न हुआ है गुरुदेव की कृपा से। ओम अरहम। बहुत भाग्यवान है आनंद भाई जी, साधु श्री जी के सानिध्य में वहाँ मुनि श्री विराजित थे, उन्होंने विशेष आमंत्रित किया था, ये अपने लिए गौरव की बात है। तो एक बार सब ओम अरहम करें, ओम अरहम, ओम अरहम, मैं स्वस्थ हूँ, मैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए
अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आसन के बारे में, काफी लेक्चर्स मैंने आसन के बारे में दिए है, तो जब पहला प्रश्न से शुरुआत करती हूँ आनंद भाई, हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं और 5-10 बस बाकी सब आनंद भाई जी करेंगे, मैं जस्ट थोड़ा सा ही बोलना चाहूंगी। तो चलिए, अगर किसी को याद हो तो बताइए कि दुनिया में सबसे पहले आसन कितने थे। आसन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आसन कितने थे, मुझे देखना है कि कितना पिछला याद है या आगे गाड़ी चल रही है पीछे सब भूलते जा रहे हैं, यही अनुभव आता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि कितने आसन थे। कुछ बोल गलत, और आनंद भाई जी मनोज बोलने लगा है आजकल। कल मनोज ने सबसे अच्छी बातें बताई सबको, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारी क्लास का परिणाम, बाकी कुछ पूछते तो बस एक स्माइल देता था, मैंने बोला ये तो नहीं एक दिन बोलना तो पड़ेगा, और सचमुच एक दिन बहुत अच्छे जवाब देना शुरू कर दिया, तो 80 आसन नहीं है। चलिए बोलिए, आपको लेक्चर याद करो मेरा कि कितने आसन थे, मैंने आसन के बारे में बहुत डीप में और डिटेल में बात की, जैसे हमारी प्राणायाम की डिटेल बात चल रही है। चलिए बताइए फटाफट। नहीं चलिए, मैंने ये कहा था कि जितनी योनि यानी 84 लाख व्यक्ति है, 84 लाख योनि है, उतने पुराने जमाने में इतिहास बताया था मैंने, उतने आसन है, इतने आसन करना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसमें मनुष्य ने क्या कर लिया, फिर साधु संतों ने अभ्यास करके इसमें दे लिया कि 84 आसन करने चाहिए, अगर 84 आसन भी रोज करे तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसमें से ढूंढ ढूंढ के फिर एक बना दिया कि भाई ये 32 आसन आवश्यक है वो करने चाहिए, और ये 32 आसन में भी फिर बायफर्केट कर दिए कि कुछ आसन कौन से करने हैं, तो कौन सा आसन पहले करना है और क्यों करना है, ये भी मैंने बताया। चलिए फटाफट बता दीजिए, टाइम जाना नहीं चाहिए इसलिए मैं बताती हूँ, 32 आसन में से लॉजिकली ऐसा बताया कि बच्चा सोया हो होता है इसीलिए पहले शयन स्थिति के आसन करते हैं, फिर बच्चा पेट के बल पे जाता है, फिर विपरीत शयन स्थिति यानी पेट के बल पे आसन होते, फिर धीरे धीरे बच्चा उठ के बैठता है इसलिए बैठक स्थिति के आसन होते, और लास्ट में आदमी खड़ा होता है तो लास्ट में दंड स्थिति के आसन होते, तो इन 4 स्थिति में आसनों को डिवाइड किया हुआ है। अब आज आनंद भाई जी लेंगे वो सब बैठक स्थिति के आसन आपके लेने वाले है, पर ये बताइए कि आसन करना क्यों जरूरी है, 2 दृष्टि से बताना है आपको। फिजिकल तो हम स्वस्थ रहते हैं आसन से, बिल्कुल, और दूसरा कौन सा दृष्टिकोण, एकाग्रता बढ़ती है नहीं, ये एक 2 दृष्टि मैंने दृष्टि बताया, तो पहली दृष्टि को शारीरिक दृष्टि से क्यों योग्य है और दूसरा ध्यान के लिए आसन क्यों जरूरी है, आध्यात्मिक बैठ सकते अपने शक्ति जागृत करने के लिए, कौन सी शक्ति संगीता, अंदर की जो अपने अंदर अरहम शब्द में जो बोलते हैं ना, वो नहीं वो आसन के आसन से वो नहीं, स्थिरता आने में, स्थिरता वो पतंजलि का है ना, स्थिरता सुखम आसन कौन सा हो, ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि हमारा शरीर में, ये बताइए कि मुझे मुख्य अवयव कौन से, 5 मुख्य अवयव बताइए शरीर के, नाभि, ना भी नहीं, चलिए वही मैं वापस रिपीट करती हूँ, ये सब मैंने लेक्चर में किया हुआ, वापस करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट मस्तिष्क है, मस्तिष्क जब तक काम नहीं करेगा पूरा बॉडी उसी पर डिपेंड है, और मस्तिष्क में ही सब कुछ होता है, स्मरण शक्ति, तो इम्पोर्टेंट मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद रीढ़ की हड्डी अगर नहीं लचीली होगी सारी बीमारी वगैरह किस पर डिपेंड है, पृष्ठ रज्जु पर डिपेंड है, तीसरा अगर हृदय काम नहीं किया तो चलेगा नहीं चलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फेफड़े उन्होंने अगर श्वास नहीं ग्रहण किया, अगर रक्त शुद्ध नहीं किया तो शरीर कैसे चलेगा, तो इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट मस्तिष्क है, मस्तिष्क के बाद हृदय और फेफड़े एक साथ ही है, पृष्ठ रज्जु है, ये 3 हो गए, अब 2 तो याद करो कौन से हो गए, इससे इम्पोर्टेंट ऐसे ही है, बोलिए बोलिए सुचिता जी बोलो, कोई बात नहीं, गैर कोई गलत नहीं होगा, पैर पैर पाँव के पहले एक चाहिए, पैर बराबर है, हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, देखिए मस्तिष्क, कमर, पीठ की हड्डी, वो आ गए सब कमर में, दूसरा तीसरा हृदय और फेफड़े, चौथा कौन सा और 5वां पैर है, इंद्रिया,
याद करो जिसके ऊपर ही सारा जीवन चलता है, वो नहीं है कमर, काम करेगा कमर तो नहीं 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 कमर तो समझ लो पुष्टरज्जु में आ गई वो। शक्ति शक्ति केंद्र। नहीं 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 चलिए नहीं, सब फेल, सब फेल, रोज सब में फेल। चलो कोई बात नहीं, हमको एक्सपर्ट बनना है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, सबको सबको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तेजस पेट है, केंद्र। पेट पेट पेट, अगर पचन नहीं होगा, अन्न नहीं खाएंगे, सब ये सब कहाँ जाएगा फिर, हम कैसे। पेट तो इसीलिए याद करना ये सब सब, आपका हमारा रीढ़ की हड्डी जब तक तो ऐसे एकदम मस्त लचीली नहीं रहेगी, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। अभी आसन का लेक्चर तो है नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा तो लेना है लेना नहीं है, केवल आपको याद दिलाना था मुझे, इसलिए मैंने आनंद भाई जी को बोला मैं 5 मिनट बोलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कितने बहुत अच्छा जागरूक। हुआ आपने, रिवीजन हो गया हमारा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। पुष्टरज्जु की बात चल रही है तो सबसे मुख्य भाग है हमारा पुष्टरज्जु, और ये लचीला रखना है क्योंकि चेतना के सारे केंद्र पुष्टरज्जु में, मेन केंद्र जो है हमारे, देखिए शक्ति केंद्र स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, सब पीठ के रड्डी में। तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी तो नाड़ी संस्थान अच्छा होगा, सारे चैतन्य केंद्र काम करेंगे, इसीलिए अपन अंतर यात्रा भी करते हैं। तो इस प्रकार आसन है वो शरीर को उत्तम रखता है। प्रश्न होता है प्राचीन काल में इतने आसन थे, अब इतने कम हो गए हैं, तो अब ऐसा समझ लो कि हमको दो ही आसन करने हैं, दो ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो ग्रंथ में एक बात बताइए उसके बारे में, तो वो कौन सा कर सकते कि जो करने से हम बहुत मतलब अच्छे रहेंगे। चलिए 84 लाख से हम 84 आसन, 84 लाख से 32 आसन, 32 आसन से समझ लो हमें एक दो ही करना है, बैठ के पेट बैठ के एक करना है, और एक समझ लो सो के करना है। कमर और पेट के लिए, ऐसे चलिए पेट साफ सबसे हो मैं तो बता पूरा देती शरीर साफ होता है ना, पेट साफ तो पूरा। हूँ। सबसे मेन है कि आसन का उद्देश्य जो है वो सब दृष्टि से साध्य हो, आसन शरीर के दृष्टि से हो और ध्यान के दृष्टि से हो। ऐसा एक आसन है वो है पद्मासन, सबसे इम्पोर्टेंट पद्मासन सीखना चाहिए, बहुत उपयोगी है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए तो है ही है, ये पेट को भी काम करता है, ये फेफड़ों के लिए भी काम करता है, हृदय के लिए भी काम करता है, और मेन है घुटनों के लिए भी, क्योंकि उससे घुटने मुड़ते। और उसमें अगर हमने बद्ध पद्मासन किया, इस तरह हम क्या करते हैं पीछे से अंगूठे पकड़ते हैं, बद्ध पद्मासन करते, तो देखिए अपना कहाँ कहाँ शरीर की अनेक दूषित पदार्थ निकल जाए, विकृति निकल जाएंगी, सारे दूषित नाड़ियां अच्छी होगी, तो कम से कम प्राणवायु अच्छा होगा। तो हमारे अंदर क्या होता है, बहुत विष होता है विष, और वो विष हमें बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, तभी आदमी स्वस्थ रहता है। ये विष निकालने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है और गुर्दे करते, दो लोग करते हैं। विष बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं और गुर्दे करते हैं। हम सारे चीजें खाते हैं पर सारे चीजें हमारी पचती ऐसे नहीं है, मग क्या होता है, जिनको नहीं होता है पाचन, गुर्दे से निकाल जाता है और रक्त शुद्ध करने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी बाहर निकालने का काम हमारा फेफड़ा करता है। तो ये सब बातें अच्छे रखने के लिए हमें ये सब सीखना ही होगा। तो चलिए आसन की ओर जाते हैं, पर उसके पहले एक बात ध्यान रखिए कि ध्यान की साधना एक ज्योति की साधना है, ये प्रकाश है, और जीवन को समझना बहुत जरूरी है। और बाकी कुछ मत समझो, पर कम से कम शरीर को तो समझो, शरीर के अंदर की चीज को तो समझो। तो गुरुदेव ने एक बात बताई कि अज्ञान व्यक्ति होता है ये बहुत प्रॉब्लम करता है, हमारा अज्ञान है सब। तो कम से कम हम दो बातों का ज्ञान करें, कौन सा, एक तो शरीर का और एक प्राण का, और उसके लिए दोनों के लिए भी आसन जरूरी है। और ये इम्पोर्टेंट बात है, सभी का मूल हमारा शरीर है और शरीर से ही सारी समस्याएं होती है, ये शरीर स्वस्थ करने के लिए आसन की बहुत 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 आवश्यकता है। तो बहुत समय हो गया, आइए बहुत अच्छी तरह से हम आज आसन करेंगे, और बहुत दिनों के बाद आनंद भाई जी का हाथ से आनंद कर रहे तो हम बहुत आनंद पाएंगे। आनंद भाई जी कल ही आपको याद किया था कि आत्मानंद चाहिए, आनंद कहाँ मिलता है, तो बोलते एमपी के केंद्र में मिलता है, ऐसा जवाब दिया। आनंद मिलता है और वो आनंद से ही हम पूरा दिन जीते हैं, पूरे आनंद दिन। मैंने बोला आनंद कहाँ होता है, वो कल मैं हृदय की बात फेफड़ों की बात कर रही थी आनंद भाई जी, और मैं बोल रही थी कि अरहम की ध्वनि करने से आनंद हृदय से आता है, तो ये बताने के लिए मैंने प्रश्न किया कि आनंद कहाँ से आता है, तो सब बोले एमपी केंद्र से आता है, सुबह सुबह उठ के यहाँ जुड़ते तब आनंद आता
है। तो ये बात कल हंसते हंसते हुई, तो मैंने बोला और आनंद नाम के व्यक्ति से जुड़े इसलिए हमें ज्यादा आनंद आता है, इसलिए कल हमने आपको याद किया था, आप आए हैं। मैंने 4 दिन 3 दिन कैसी बात की, कैसे आपकी क्लास ली, आपको अच्छा लगा कि नहीं क्लास के बाद में, आनंद भाई जी को बता दीजिए। अब आनंद भाई ने जो जिम्मेदारी दी थी वो मैंने निभाने की कोशिश की, मुझे पता नहीं मैं कितने अच्छी तरह निभा पाई। आज मैं अपने को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 3 दिन मौका दिया। आप अभी आसन की क्लास। बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने बताया हमें आसन क्यों करने चाहिए, आसनों की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। और जो 5 अंग शरीर के आपने बताए जो हमारे आसन करने से इफेक्टिव होते हैं, हम जो आज आसन करेंगे इन आसनों से ये सारे हमारे अंग जो उपंग है, जो आपने अवयव बताए, मस्तिष्क, पिष्ट जो हृदय, फेफड़े, पेट और पैर, तो इनको मजबूत करने के लिए हम सारे आसनों का जो अभ्यास करेंगे, इससे 5ों हमारे अंग जो है ये इससे इफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले आपने बताया भी मुख्य आसन बैठकर किए जाने वाला है जो कौन सा है, पद्मासन। के लिए पहले है एक पैर चढ़ाना है, राइट लेफ्ट कोई भी चढ़ा सकते हैं, फिर दूसरा पैर गंगा के ऊपर चढ़ाते हुए। पद्मासन में देखिए रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो जाती है, अपने आप सीधी हो जाती है, फिर भी हमें ध्यान पूर्वक और सीधे बैठना है इस तरह से। और पद्मासन लगाने के बाद मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा, दोनों में से कोई भी मुद्रा हम लगा सकते हैं। एकदम सीधा रहेगा, कर्तन बिल्कुल सीधी रहेगी, श्वास नॉर्मल रहेगा। अब पद्मासन में बैठने के बाद हम कुछ आसन और कर सकते हैं, जिसमें एक आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है, इससे योग मुद्रासन करने से देखिए हमारा पृष्ठ जो पेट का, और आप पद्मासन में बैठे हैं तो पैरों तो पैर तो आपके इफेक्टेड हो ही रही है, और जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क पे भी ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। तो अलका जी ने जो 5 अंग बताए, ये 5ों अंग इस आसन से प्रभावित होते हैं। तो करना कैसे है, पद्मासन में बैठे बैठे राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ना है, बिल्कुल सीधे बैठते हुए पहले पूरा श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए ललाट को पूरा नीचे तक ले आना है, ललाट को पूरा नीचे तक लेकर आना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए। समझ में आ गया सबको, जो 5 अंगों की बात अभी की, आपको महसूस होने लगेगा ये 5ों अंगों के ऊपर हमारे इसका प्रभाव पड़ता है। पृष्ठ रज्जु, मस्तिष्क, हार्ट, फेफड़े, पेट और पैर, सब पे असर आपको मालूम पड़ रहा है। तो ये 5ों अंग इससे हमारे प्रभावित होते हैं, तो इसका अभ्यास हमें नियमित करना है। योग मुद्रासन आसन का नाम है, योग मुद्रासन। अभी आप सब साथ साथ करेंगे मेरे, जिनके वीडियो ऑफ है वीडियो चालू कर लीजिए प्लीज। हाँ, पहले हम राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए एक बार करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए एक बार करेंगे। पीछे से कलाई को पकड़िए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, तो हाथ ऊपर जितना आसानी से आ सके, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, 3 हाथ नीचे 4। श्वास का ध्यान रखना है, 1 में श्वास छोड़ना, 2 में भरना, 3 में छोड़ना, 4 में भरना, श्वास के साथ। 1 राउंड और, लेफ्ट हैंड की कलाई को, मुट्ठी को बंद करते हुए राइट हैंड से कलाई को पकड़िए,
एक दो तीन चार, रिलैक्स। सबको जम रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो अभी हमने एक ही राउंड किया, इससे वो आप दो राउंड या तीन राउंड कर लीजिए तो आपको पूरे पूरे 500 पूरे अंग जो है इससे बिल्कुल अफेक्टेड हो जाएंगे। अब देखिए पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, हमारा साइटिका नर्व्स जो है वो उसमें दर्द आ जाता है। साइटिका पेन के लिए हमारी स्पेशल क्लास भी ली थी हमने, और पैरों में जंघाओं में दर्द होता है तो उसके लिए भी इस आसन को हम दूसरे प्रकार से अगर करते हैं तो इससे फायदा होता है। उसमें क्या करना होता है, हमें राइट और लेफ्ट घुटने के सामने, राइट और लेफ्ट साइड घुटने के सामने ललाट को लगाना होता है। जब हम लेफ्ट साइड झुकते हैं तो राइट साइड में खिंचाव आएगा कमर से लेके पैर तक, तो साइटिका नस में खिंचाव आएगा। उससे साइटिका नस में खिंचाव आने से साइटिका की प्रॉब्लम के लिए भी फायदामंद होगा। जब हम राइट साइड झुकेंगे तब लेफ्ट साइड खिंचाव आएगा, एक साइड खिंचाव आएगा, एक साइड प्रेशर पड़ेगा। जब हम राइट झुकते हैं तो राइट साइड में क्या होगा, प्रेशर आएगा, लेफ्ट में खिंचाव आएगा। जब हम लेफ्ट में झुकेंगे तो लेफ्ट में प्रेशर आएगा, राइट में खिंचाव आएगा। तो हमें पहले राइट साइड झुकते हुए ललाट को घुटने के सामने नीचे तक लाना है, कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो कम से कम घुटने तक तो आना ही चाहिए, घुटने तक तो आना ही चाहिए। आप प्रयास करेंगे तो एक दो बार आपको हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे आपका घुटने तक आपका मस्तिष्क आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तो हाथों को पीछे ले जाते हुए कलाई को पकड़िए एक हाथ की, श्वास छोड़ते हुए अब राइट साइड घुटने के सामने बिल्कुल नीचे तक आना है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने के सामने फर्श तक ललाट को लेकर आना है, धीरे धीरे ऊपर। मेरा शायद पूरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट में सेट कर लेता हूँ कैमरे को। यस, अभी एक बार और करेंगे मेरे साथ साथ। एक दो तीन चार, बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो और मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। देख रहा हूँ नोट ले, अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया। इसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है आपके शरीर में, आप उसको अनुभव करते हुए दिल करिए, कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ दबाव आ रहा है। दो तीन चार, जो पांच अंगों के नाम अभी बताए अलका जी ने, उन पांचों अंगों का नाम आपको याद होगा तो उन अंगों पे प्रेशर महसूस हो रहा है। जब नीचे झुकते हैं मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है, मेरुदंड पे भी आ रहा है, फेफड़ों में भी आ रहा है, पेट पे भी आ रहा है और पैरों में भी आ रहा है। तो ये आसन है, एक ही आसन अगर हम रोज कर लेते हैं तो हमारे पांचों अंग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अभी हमने देखिए आगे झुकने का प्रयोग किया, अब हम रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा स्ट्रेस देने, पुश देने के लिए घुटने के अंदर अपने को मस्तिष्क को लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने के सामने अभी लगाया, अब हम घुटने के अंदर की साइड, ताकि हमारे रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ सके। जब हम अंदर की ओर लगाएंगे तो रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा तो हमारा मेरुदंड जो है और ज्यादा लचीला होगा। अभी जितना हुआ इससे भी ज्यादा इस पे हमारे रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम श्वास छोड़ते हुए पहले अंदर की ओर घुटने के अंदर लगाने का प्रयास, बिल्कुल नीचे तक। श्वास भरते हुए सीधे लग रहा है नीचे अंदर, जितना भी हो
मेरा लग रहा है जरूरी नहीं सबका लगे, जितना हो आपका अभ्यास करना है। धीरे धीरे ऊपर। अभी देखिए मेरा पैर लेफ्ट नीचे है, राइट ऊपर है, राइट ऊपर है तो राइट साइड आसानी से लगा, लेफ्ट साइड लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पैरों की पोजीशन बदल लीजिए। इस बार देखिए लेफ्ट साइड भी आसानी से लगेगा, राइट साइड थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसका पिछली बार जो हुआ उसका विपरीत होगा। इस बार राइट साइड झुकिए झुकिए झुकिए, वापस आइए। अब लेफ्ट साइड वापस आइए, फर्क महसूस हो रहा है? पिछली बार राइट साइड आसानी से लगा था, इस बार लेफ्ट साइड आसानी से लग रहा है। तो जो पैर हमारा ऊपर होता है उस ओर लगाने में हमें आसानी होती है, तो हमें पैर बदलकर दोनों तरह से इस क्रिया को करना है, पैर बदलकर दोनों तरह से करना है। सर पहले फर्क था क्या? मेरे को तो सेम ही दिखा, पहले भी अपन यही किया था ना सर? जी, इससे पहले भी अपन ऐसे ही कर रहे थे ना? हाँ ठीक है, एक बार और करेंगे। नहीं, पहले घुटने के सामने आने अपने सामने लिया था, बाद में घुटने के पीछे आने अपने ए साइड, पहले ए साइड लिया था, पहले घुटने के सामने लगाया था, सामने लगाया था। सर एक बार बताइए सर, मैं हमारे रीढ़ की हड्डी में ज्यादा ट्विस्ट आता है, जब हम भीतर की ओर झुकते हैं तो रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट ज्यादा आता है। लेफ्ट साइड सीधे रिलैक्स, पद्मासन खोल दीजिए, आराम से बैठ जाइए। पद्मासन उत्तम आसन, पद्मासन तो अभी हमने पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन का अभ्यास किया। पद्मासन और योग मुद्रासन आप ये एक ही आसन अगर नियमित रोज कर लेते हो, नियमित रोज कर ले तो हमारे जो पांचों अंग है बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और हमारा पेट भी कम होगा, रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल लचीली रहेगी, मस्तिष्क में ब्लड का संतुलन भी होगा, फेफड़े भी मजबूत होंगे, पैर भी मजबूत होगी, पांचों अंग हमारे इससे अफेक्टेड होते हैं। तो इसका महत्व आपने समझा कितना महत्वपूर्ण ये आसन है, योग मुद्रासन। अब हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए आसन बताया था मैंने आपको, क्या कौन सा आसन है? मंडूकासन। मंडूकासन बहुत बढ़िया, जतन जी हमारे साथ जुड़े हुए, जतन जी कृपया आप है ना मंडूकासन कैसे करते हैं आप करके बता दीजिए। मंडूकासन पहले वज्रासन में आना है, वज्रासन में आना है। देखिए वज्रासन भी बहुत बढ़िया है, वज्रासन का विशेषता, वज्रासन की विशेषता क्या है कोई बताएंगे आप में से? जतन जी आपको नहीं बताना है, मैं पहलों से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा। अच्छा होता है, अच्छा होता है उससे, कभी भी कर सकते हैं वज्रासन, वज्रासन कभी भी खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के बाद ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? डाइजेशन के लिए, हाजमे में अच्छा होता है। जी बहुत कुछ सीख लिया सर, चाहिए पीछे से ये देखिए, एड़िया अपनी खुल जाएंगी, दोनों अंगुलियां ये पैर की यहाँ जुड़ी हुई है, ये इस पे ऐसे बैठ गए अपन, और ये हो गया अपना वज्रासन। वज्रासन में आने के बाद में फिर अब अपन मंडूकासन दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, एक हथेलियां रखते हुए और एक उठिया बंद रखते हुए, तो दोनों प्रकार से करके बता दी। सबसे पहले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आपको रखना है, पहले एक बार नाभि पे थोड़ा सा नाभि से नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा हैंड, ये रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, और जितना नीचे आ सकते हैं कोशिश करेंगे कि ललाट को भी जमीन पे टच कर देंगे, और इस पोजीशन में रुकना है, फिर वापस धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे होना है, एक बार और दोहरा लेंगे। अभी हाथ जो हाथ ऊपर था वो नीचे कर लेंगे, नीचे वाला हाथ ऊपर रखते हुए
श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और ललाट को जमीन पे टच कर देंगे। कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आना है। बहुत बढ़िया, एक बार और कराइए। हाँ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है और ललाट को जमीन पे टच कर देना है। पूरा जो दबाव आ रहा है पेनक्रियाज पे उसको महसूस करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां अंगूठा अंदर डालते हुए बंद कर लेंगे और नाभि के दोनों साइड ऐसे इस टाइप से दोनों साइड में आपस में मिलाते हुए मुट्ठियों को टच कर देना है। पूरा श्वास पहले खाली कर लीजिए, पेट को पूरा अंदर सिकुड़ जाएगा। और श्वास भरिए। हाँ, पहले श्वास भरना है। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और ललाट को जमीन पे टच करना है। लेकिन साथ में फायदा अगर थायराइड का लेना है तो थायराइड की प्रॉब्लम को भी दूर करने के हिसाब से अगर आप मंडू की तरफ नजरें ऊपर रखते हुए ये पोजीशन में देख लीजिए। सब पहले ये पोजीशन में अगर आप करते हैं तो आपके थायराइड में भी पूरा स्ट्रेस आ रहा है, इसको महसूस करते हुए रुकना है। जितनी देर ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं, ज्यादा देर रुकना है तो श्वास नॉर्मल भी रखें, नहीं तो का फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, नजरें छत की ओर आसमान की ओर देखते हुए थायराइड में पैराथायराइड में पूरा तनाव महसूस करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स। हाँ, तो अभी हमने मंडूकासन कैसे करना चाहिए ये जाना जतन जी से। मंडूकासन करने से उसका फायदा आपने पहले बताया, शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मंडूकासन। एक आसन हम और ले सकते हैं, शशांक आसन, वो भी इसमें वज्रासन में बैठ के लिया जाता है। शशांक आसन भी दो प्रकार से करते हैं अपन। जैसे कई लोग साइड से हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ दिए, अपन ने ये पोजीशन बना ली। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए ललाट को जमीन पे टच कर देने का है। और इस पोजीशन में कुछ देर रुकना है, जितनी देर रुक सकते हैं। ज्यादा देर रुकना है तो श्वास नॉर्मल रख सकते हैं, नहीं तो श्वास रोका हुआ रखते हैं। जितनी देर रुक सकता है श्वास, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जंगा पे। दो राउंड और करेंगे अपन इसी क्रिया को। एक, गिनती के साथ दो, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, ललाट को जमीन पे टच कर देंगे दोनों हाथ जुड़े हुए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जंगा पर। अभी अपन ने साइड से हाथों को लेके गए थे, अब दोनों हाथों को सामने से ही ले जाते हुए एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊपर में खुले हुए रहेंगे इस बार हाथ आपके।
ये प्रेयिंग हाथों में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सेम मुद्रा में कंधे के समानांतर कानों के पास सटे हुए और नीचे तक लाते हुए ललाट को जमीन पे टच कर देना है। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर बहुत बढ़िया हाथ। फिर एक राउंड और कर सकते हैं। वो उसको प्रेस करना है या सब नॉर्मल हाथ रखना है ऐसा पेट पे? पैरों पे हाथ नॉर्मल रखना है? नहीं नहीं, पेट पे जो हाथ एक के ऊपर मंडूकासन की बात कर रहे हो? मंडूकासन में ना, हाँ मंडूकासन करते समय अपने को पहले एक राइट हैंड, जैसे मान लो पहले राइट हैंड आपने नाभि से थोड़ा सा नीचे नाभि के आसपास, यानी जहाँ पे अपना पेनक्रियाज है यानी जो ग्रंथि है, हाँ। वहाँ पे, और उसके ऊपर दूसरा हाथ, ये ऐसी पोजीशन में रखना है। इसका या नॉर्मल रखना है? नहीं, दब तो अपने आप जाएगा, फिर आप जब झुकोगे ना तो अपने आप दबाव आ जाएगा उसमें। पहले नॉर्मल ही रखना है आपको जब रखते समय, फिर दूसरी जो क्रिया करते हैं। आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। वज्रासन में आप बैठे हैं, हाथों की पोजिशन हमें क्या रखनी है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। हाथ हमारे नाभि से नीचे जब रहेंगे, इस तरह से नाभि से नीचे रहेंगे तो हमारे मूत्राशय पर प्रभाव पड़ेगा। मूत्राशय पर नाभि पे रहेगा तो हमारे पेट पे प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा आप ऊपर रखोगे तो इससे हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा। हाथों की पोजिशन तीन प्रकार की रख सकते हो, नाभि से नीचे, नाभि पर और थोड़ा सा ऊपर, तीन प्रकार से। तो आपको अगर मूत्राशय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हथेलियों को नीचे रखिए, थोड़ा थोड़ा नीचे रखिए इस तरह से। पेट कम करना है तो बीच में रखिए और थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो इससे हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा। पेंक्रियाज का है हमारे पेट के ऊपरी भाग में, लेफ्ट साइड में, और इस साइड में है पेंक्रियाज। तो यहाँ आप हथेलियां रखेंगे तो इससे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ेगा। यही पोजिशन हम मुट्ठियों की भी रख सकते हैं, बिल्कुल नीचे, बीच में, थोड़ा ऊपर, तीन प्रकार पोजिशन रखती है। तीनों के फायदे अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। नीचे रहेगा मूत्राशय में प्रभाव पड़ेगा, बीच में रहेगा पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे तो पेंक्रियाज पे प्रेशर ज्यादा आएगा। तो आपको किस लिए करना है? आपको शुगर कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा आप ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। यूरिन प्रॉब्लम है, मूत्राशय में प्रॉब्लम है तो थोड़ा नीचे रखिए। यस, समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। हाँ, अभी जतन जी ने शशांक आसन दो प्रकार से बताया है, एक प्रकार मैं आपको और बता देता हूँ जिससे हमें थायराइड में भी फायदा हो सकता है। थायराइड में फायदा हो सकता है, इसमें क्या करना है, हम वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठना है, दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ आ रहा है। अब दोनों पैरों में घुटनों में फासला रख लीजिए, घुटनों में गैप कीजिए, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में टिकाइए, इस तरह से टिकाते हुए पहले पूरा श्वास भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को धीरे धीरे आगे ले जाते हुए नजरें सामने रखते हुए ठुड्डी को जमीन पर लगाइए। रुकिए यहाँ पर, धीरे धीरे हथेलियां नजदीक लगाते हुए। थायराइड में खिंचाव आ रहा है? यस सर, जबरदस्त जबरदस्त खिंचाव आता है थायराइड ग्रंथि में। एक बार और करके देखिए, धीरे धीरे हथेलियों को आगे ले जाते हुए नजरें सामने रखते हुए ठुड्डी को जमीन पर लगाइए। धीरे धीरे वापस। ये तीसरा प्रकार भी हमने आपको बताया था, आपको याद होगा,
और एक प्रकार और बताया था मैंने, चौथा प्रकार भी बताया था, याद है क्या किसी को चौथा प्रकार जिसमें हम दो ही स्टेप करते हैं चलते हुए भी बताया ना सर आपने? उसमें देखिए चौथा प्रकार कौन सा है, दोनों हथेलियों को पीछे इससे पीछे की ओर रखते हुए हथेलियां ऊपर छत की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर रहेगी, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए ललाट को बिल्कुल नीचे तुम्हें आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक दो बहुत ही बढ़िया है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क में होता है, नीचे झुकिए रुकिए थोड़ी देर, ज्यादा देर अगर रुकते हो तो श्वास नॉर्मल रहेगा, नहीं तो जितने देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रुकिए, तो धीरे धीरे श्वास भरते रहे, रिलैक्स रिलैक्स, तो अभी हमने योग मुद्रासन, शशांकासन, मडुकासन तीन ही आसन लिए हमने, कौन से लिया, पद्मासन में बैठकर, पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन और वज्रासन में बैठकर शशांकासन और मडुकासन तीन ही आसन लिए हमने, इन तीन आसनों का आप रेगुलर अभ्यास कीजिए, ज्यादा आपको आसन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारे आसन है, हम आज हमारे पास समय इतना नहीं है, हम इसका जो पार्ट टू लेंगे उसमें है, बाकी बैठ कर किए जाने वाले आसन भी हम लेंगे, सीखने तो हमें सभी है ना, इनसे जिनको ये नहीं जमता है दूसरा आसन में जमेगा तो हम और भी आसन बैठ कर कर सकते हैं, जिसमें पश्चिमोत्तासन, जानू शीरासन और अपने बैलेंसिंग आसन आता है, गोद्वीपासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्यासन, सारे आसन बैठ कर किए जाने वाले आसन है, तो एक सेशन हम और लेंगे उसमें उन आसनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके प्रयोग भी बताएंगे, तो अभी हमें प्राणायाम करना है, आसनों के बाद में प्राणायाम जरूरी है, तो 5 मिनट प्राणायाम करेंगे, फिर जतन जी हास्योग भी आज दे दीजिए, बहुत दिन से मेरे ख्याल से हास्योग नहीं हुआ है, तो आखिरी में हम हास्य योग के साथ समापन करेंगे, मौसम चालू हो रहा है, सर्दी पड़ रही है, तो हमें सर्दी में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए बता सकते हो क्या? सूर्य वेदी प्राणायाम, सूर्य वेदी, तो सूर्य वेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? राइट से बराबर याद है सबको ना, तो राइट से हमारा हमारा सूर्य स्वर है और लेफ्ट तो है चंद्र स्वर है, हमें इसमें क्या करना है, राइट से लेना है और राइट से ही छोड़ना है, राइट से लेना, इसमें देखिए राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, इससे लेना इससे छोड़ना, ये भी करवाते हैं, और इससे लेना इससे ही छोड़ना, तो हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, पहले लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, अभी हमको राइट चालू रखना है, लेफ्ट को बंद कर देना है, पूरा लेफ्ट को पूरा बंद कर देना है, राइट से ही लेना है, राइट से ही छोड़ना है, एक ही स्वर चालू रहेगा,
श्वास को लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, और जितना समय आप लेने में लगा रहे हो उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगाना है। अलका जी ने आपको बताया था एक दिन, छोड़ने में ज्यादा समय, और केवल आप छोड़ने में कितना समय लगता है उसको भी नोट करना है। एक बार आपने प्रयोग भी किया होगा, होमवर्क भी दिया था आपको, तो छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्वास लंबा भरिए और लोअर लंबा, उससे ज्यादा लंबा करते हुए छोड़िए। अब इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि भी जोड़ सकते हैं। महाप्राण ध्वनि एक चमत्कारिक ध्वनि है। हम कोई भी प्राणायाम करते समय महाप्राण ध्वनि, श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ते हैं, तो इसके साथ भी हमें महाप्राण ध्वनि को हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? पहले श्वास भरिए, वापस भरिए, एक बार और सूर्य भेदी प्राणायाम। अब इसका ऑपोजिट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम चंद्र भेदी। तो चंद्र भेदी ठंडक पैदा करता है, सूर्य भेदी गर्मी पैदा करता है। तो अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए चंद्र भेदी को हम अभी अवॉइड करेंगे। गर्मी के दिनों में इसका ऑपोजिट आप चंद्र भेदी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। हम पहले लेफ्ट से पहले पूरे पेट को खाली कर लीजिए, वापस लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। राइट से भरिए, भरिए वापस, भरिए राइट से, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ध्यान रखना है जितना लेने में समय छोड़ने में ज्यादा लगाना, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो ये एक राउंड हुआ, अभी इसी तरह हमें कम से कम 3 से 5 राउंड करना है। और इसके साथ में कुंभक को भी जोड़ा जा सकता है। श्वास भरते हुए है, थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकना और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकना, तो कुंभक का अभ्यास भी हम साथ में कर सकते हैं। लेकिन कुंभक किनको नहीं करना है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जो दमे के पेशेंट है, हाई बीपी के पेशेंट है, उनको कुंभक कम करना है, बहुत कम समय के लिए करना है या नहीं करना है। लेकिन बाकी सभी लोग कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, श्वास को रोकना वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम कुंभक के बारे में अभी इतनी बात नहीं करेंगे। कुंभक भी बहुत प्रकार से किए जाते हैं, अंत कुंभक, बाह्य कुंभक, और भी जब हम मूल बंध वगैरह लगाते हैं, बंध के साथ भी कुंभक किया जाता है, आसनों के साथ भी कुंभक किया जाता है। जब हम कहना है तो अभी प्राणायाम हम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम 3 राउंड कर लीजिए। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड और लेने।
अक्ष, इसके साथ भी हम महाप्राण ध्वनि जोड़ सकते हैं, छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि, समझ में आ गया, तो महाप्राण ध्वनि के साथ भी किया जा सकता है, तो उससे हमारा डबल बेनिफिट भी होता है। तो अभी समय हमारे पास बहुत कम बचा है, जतन जी हास्य योग, हास्य योग करवा दीजिए। हाँ, आराम से बैठ जाइए, पहले सुखासन में, सुखासन में बैठ लीजिए अपने अपने, और उसके बाद में पहले मौन के साथ हंसना है, सिर्फ मुंह के आपके हाव भाव पे है उसका एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो उसके लिए पहले अपन मौन के साथ करेंगे, और उसके लिए पहले शुरुआत में सीधे बैठिए करेंगे, और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जकड़ते पकड़ते हुए फूर कर दीजिए। एक श्वास में श्वास को छोड़ते हुए एक बार और कराइए, एक श्वास बिना आवाज, पूरा श्वास भरेंगे और अपनी समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए आधा आनंद आया, आधा आनंद लेना, तो उसके लिए अटाहट से पूरा पहले स्वास्थ्य भरेंगे, समस्याओं को जकड़ते पकड़ते हुए हो गया टेंशन दूर सबका, सारे तनाव दूर, और बिल्कुल आनंद की अनुभूति। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी, आपने बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद कराया, हमारे साथ जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सबको बहुत आनंद आया, सबके तनाव दूर हो गए, टेंशन दूर हो गए। तो इस तरह हम सुबह सुबह रेगुलर अगर योगाभ्यास के बाद हास्य योग कर लेते हैं तो हमारा दिन भर बिल्कुल बिल्कुल हमारा तरोताजा हो जाता है, आनंद की स्फूर्ति होती है। तो अभी आप लोगों को कुछ कहना हो तो अपने आप को आप अनम्यूट तो कर ही सकते हो, अभी अनम्यूट कर सकते, चालू है एक एक करके। सर हास्य योग से हमारे चेहरे का भी पूरा व्यायाम हो जाता है सर, हाँ चेहरे का भी सौंदर्य बढ़ जाएगा, फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती है। संगीता जी कुछ कहना है आपको, मनोज जी, बाकी सब लोग तो वीडियो ऑफ दिख रहे हैं मेरे को, वो ध्वनि नाक से निकलना है, वो मुंह से निकलता है भ्रामरी वैसा, उसको क्या बोलते हैं, मैं अपन नाक बंद करके जो अभी करे थे ना प्रक्रिया, तो नाक कौन सी क्रिया की बात कर रहे हो आप अभी, वो प्राणायाम अनुलोम विलोम और वो सब किए थे, मैं बोलता हूँ ना पहले एक शॉट, देखिए हम हाथों की पोजीशन ऐसे बनाते हैं तो राइट को पहले बंद करते हुए लेफ्ट से पहले पेट को खाली करना है, पहले श्वास को छोड़ना, वापस लेफ्ट से ही भरना, फिर लेफ्ट को बंद कर देना, इस तरह से राइट को खोल देना, राइट से श्वास को बाहर निकालना। भ्रामरी का भ्रामरी पूछ रहे हो, मुंह से निकालना है या नाक से निकालना, नाक से श्वास निकालना है, भ्रामरी का श्वास हमेशा नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना होता है, जब हम फूंक मारते हैं तो कोई कुछ प्रयोग ऐसा है जिसमें हम मुंह से भी निकालते हैं, जैसे भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं तो हम कैसे कहते हैं मुंह से श्वास बाहर निकालते हुए, ऐसा करते हैं तो कुछ आसन होते हैं जिसमें हम मुंह से श्वास निकालते हैं, बाकी सब नाक से ही श्वास है, नाक से ही छोड़ना है। हाँ कंचन जी कुछ आप कहना चाहते हैं, फुल्लो जी कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो हम समापन किया चलेंगे। जय जयेंद्र, बहुत अच्छा लगा सर, हास्य योग भी रोज देना चाहिए।
लेंगे लेंगे दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए संकल्प सूत्र दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का भी मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब बढ़िया हमारे हैं। हम सब बढ़िया।